आपकी आवाज़ पे आज मुलाकात कर रहे हैं आदर्श नगर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि जी नैया साहब से। रवि जी आपका स्वागत है आपकी आवाज़ पे। जी धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आदर्श नगर में क्या क्या समस्याएं हैं आपके आपके ही बड़े भाई अशोक जी परिणामी पहले इलेक्शन में करीब 11-12 हज़ार 15 हज़ार वोटों से हार चुके हैं, 8 से 12 हज़ार के बीच में, तो आप किस तरह से देखते हैं इस विधानसभा? देखिए इस सीट को विद इंटरेस्ट वसूल करेंगे, अगर वो 12 हज़ार से गए हैं तो मैं 30 हज़ार से जीत के आऊँगा। और छोटा भाई वही होता है जो बड़े भाई से कमी रह जाए तो छोटा उसको पूरी करे, क्योंकि उन्होंने भी बहुत क्षेत्र का काम किया था, अब लंबे समय तक काम किया। कई बार लोगों का थोड़ा सा होता है कि थोड़ा बदलाव, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे झूठे वादे उस सरकार ने किए थे, लोग भ्रम में आ गए। और हम ये कहते हैं कि ये अशोक जी परनामी का छोटा भाई है, 18-19 घंटे काम करता है और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। अब तो डबल इंजन की सरकार ऊपर बनेगी या डबल इंजन नीचे काम करेगा ये देख रहे हो ना, हो गया ना, एक एक ग्यारह। अब देखना गाड़ी बुलेट ट्रेन बनेगी, बुलेट ट्रेन, हाँ बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। हजारों कल कार्यक्रम है 5,000 लोगों का, आपकी हमारे दोनों के कार्यकर्ता एक जैसे थे, सेम थे, वो असमंजस में थे, क्या करें। नीरज भैया चलो, रवि भैया के साथ नीरज, क्या चलो, नीरज जी कहता था कि यार कार्यकर्ताओं की टोते लूं, तो नीरज ने बात तो वही, तो मेरा छोटा भाई है, बात थोड़ी है, हम तो एक ही परिवार से। आदर्श नगर में क्या क्या ऐसी समस्याएं भाई साहब जिसको आप दूर करना चाहेंगे 5 साल? देखिए आदर्श नगर की 3 सबसे बड़ी समस्या है। एक तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है जो 40-50 साल से यहीं पे है, छोटे छोटे झुग्गी झोंपड़े में लोग रहते हैं। गवर्नमेंट आती है तो वादा करके जाती है कि, और मैंने आज ये वादा उनसे किया था सवेरे कि अगर आपका पुनर्वास यहीं पे मकान नहीं मिले तो अगली बार चुनाव नहीं लूँगा, चाहे पार्टी टिकट दे वापस कर दूंगा, फिर मैं संन्यास ही ले लूँगा। और भगवान की कृपा देखो, सवेरे मंदिर में उनके साथ वादा किया और 1 घंटे बाद केंद्रीय मंत्री जी का कार्यक्रम मिल गया, जो कल का कार्यक्रम नहीं आज का ही है, उस वादे के मंदिर में मैंने उनसे वादा किया था। दूसरा ये था कि जो आगरा रोड को इकोलॉजिकल जोन है, भोले भाले लोग जमीन की थी, उनको पता ही नहीं था इकोलॉजिकल जोन क्या मिला है। उस इकोलॉजिकल जोन को हटा के वहाँ लोगों को पट्टे दिलाने, और ये गोविंद मार्ग जहाँ 24 घंटे जाम लगा रहता है महीने में 20, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तभी राजस्थान की सरकार होगी अपनी, सेंटर सरकार होगी अपनी, तो इकोलॉजिकल जोन से छुटकारा मिल जाएगा। और ये कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं, जहाँ लाखों लोग होते हैं, लोग उनके मकान नहीं तोड़ती, उतना ही क्षेत्र बाहर दे देती है इकोलॉजिकल जोन गवर्नमेंट, और उसको वो रिकॉग्नाइज कर देती है। और क्या कहना है? तीसरी समस्या जो गोविंद मार्ग की है, इस पर एलिवेटेड रोड बनेगी, 24 घंटे जहाँ एक्सीडेंट होते हैं, नारायण सिंह सर्कल से सरवा मोड़ तक सारा ट्रैफिक 20 साल से चल रहा है एलिवेट। आपने देखा होगा कि मैंने एक बार की गवर्नमेंट में भी कहा गया था, उस टाइम सभी आईएएस ब्यूरोक्रेट्स के बाद फूल के गुलदस्ते लेके जाता था, इस ये नेशनल हाईवे को जहाँ से हटा दो, नहीं सुनी, मगर अपने पास ताकत नहीं थी, अब ताकत होगी ना। और सेंटर का रोड अपनी, और आज आपने देख लिया केंद्रीय मंत्री, ये मेरे पड़ोस के जिले के हैं, पंजाब के गुरदासपुर से उधमपुर साथ साथ लगता है, तो मेरी डायरेक्ट पहुँच होगी प्रधानमंत्री कार्यालय में, इसलिए हो जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे जनता? बस जनता जनार्दन का अथाह प्यार मिल रहा है, और मेरे को उम्मीद है कि हजारों की संख्या में, हजारों के वोटों से मेरे को जिताएगी। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, और मीडिया का भी बहुत बहुत आभार। हाँ, पर जनता को यही अपील है कि भारी संख्या में मतदान करें, घरों से बाहर निकले, उस उत्सव को दिवाली की तरह मनाएं, क्योंकि दिवाली के ऊपर ये त्यौहार आ रहा है। जी, कहना चाहेंगे? जी साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अब हम रवि नैयर सिंह जी के समर्थक हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, और युवा शक्ति है, समस्त युवा साथियों के साथ और बड़ों का आशीर्वाद लेके इस विधानसभा को जीत में कैसे तब्दील करना है, उसके लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे, और हमारे मातृ रक्षा और हमारे धर्म की रक्षा के लिए हम तन मन धन से, और 24 घंटे अगर हमारे को काम करना पड़े तो हम करेंगे। और बड़े भाई रवि नैयर जी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर आदर्श नगर में विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री बनाएंगे। एक सवाल कि ये हृदय परिवर्तन इतना जल्दी हो कैसे जाता है राजनीतिक नेताओं का? देखिए हृदय परिवर्तन नहीं है, मैं पिछले 15 सालों से एक विशेष पार्टी के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं करता गया और उसका पक्ष मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ विपक्षी, मेरे विपक्ष कोई नहीं था, मेरे पक्ष वाले मेरे विपक्ष बन के बैठे थे, लगातार जयपुर में फर्स्ट नंबर पर रहने के बाद भी मेरे काम रोके जा रहे थे, भेदभाव किया जा रहा था कि जो रोड सड़क पहले टूटी हुई है उसको ना बना के जो सड़क सही है उसको पहले बनाया जा रहा था। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, आप ये कहना चाहते हैं आपके ही विधायक आपकी नहीं सुन रहे थे?
आपके विधायक आपके मुख्यमंत्री, हर आदमी का राजनीति करने का तरीका अलग होता है। हमारे विधायक जो पहले के है उनका कोई अलग तरीका था, जो मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सरकार बनाने के लिए सभी विधायकों को मंत्री बना दिया, और हमारी सरकार में हमारा विधायक हमारा मेयर अगर थे तो हमारे 3 साल से पार्षदों को चेयरमैन उनका हक क्यों छीना गया? क्या कारण था 3 साल से? अगर बहुत से पार्षद अपने मन में पीड़ा लेके बैठे हैं जो चुनाव में बता देंगे। हर किसी में दम नहीं है जो खुल के आमने सामना लड़ सके। मैंने लड़के दिखाया, अपनी मांग अपनी आवाज़ उठाने का मेरा लोकतंत्र में अधिकार है और मैं आगे इसको करता रहूंगा, और बीजेपी का दामन थाम के और अपने सभी भाइयों के साथ अपने क्षेत्र को मजबूत करता रहूंगा, रवि जी को मजबूत करूंगा। हिंदुत्व को बचाना है। आ गया मैं सर।